शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नताशा, रुगु को लेने जा रही हूँ, लेकिन स्कूल छूटने में तो काफी देर है अभी। मुझे पता है मॉम, लेकिन क्या करूं? जब तक निकलूंगी नहीं, आपके दामाद का फोन पर फोन आता रहेगा कि तुम अभी तक घर पर क्या कर रही हो, उसको लेने क्यों नहीं गई, लेट हो रहा है। आपको पता है ना उसका? हाँ पता है, जब तू छोटी थी तेरे डैड का भी यही हाल था। मुझे लगता है सब फर्स्ट टाइम फादर्स का ना यही हाल होता है। नताशा, दुग्गू जब स्कूल से कल आया था तो बार बार किसी लड़की का नाम ले रहा था, जरा पता करना कि कौन है वो। मॉम, क्रिश छोटा सा बच्चा है, अपनी किसी क्लास फेलो का नाम ले रहा होगा। और एक तरह से अच्छी बात है ना कि वो नए नए फ्रेंड्स बना रहा है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन बेटा स्कूल में हर तरह के, हर हैसियत के बच्चे होते हैं, और किसका क्या बैकग्राउंड है हमें क्या मालूम। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का संस्कार ठीक रहे, हमें चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा बच्चा किस बच्चों के साथ में घुल मिल रहा है। अगर इसी उम्र से बच्चों की संगत पे ध्यान ना दिया जाए ना, तो बड़े होके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझी? मुझे पता है आप फ्रूटी खा रहे हो, पर किसने दी आपको? मेरी फ्रेंड फ्रूटी ने दी है। ओ, तो आपका मतलब आप जो ये फ्रूटी खा रहे हो, ये आपको जिस फ्रेंड ने दी है उसका नाम भी फ्रूटी है? कहाँ है वो? घर पे चले गई। ओ चलो हम भी घर चले। बैठी क्यों है? चल सो जा। मम्मा आप भी सोना। ओके चलो चलो सोते हैं। मम्मा से कुछ कहना है बोलो। मम्मा क्या पापा प्लॉट में गए हैं? बेटा क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? करते ना बेटा, सबसे ज्यादा तुझसे तो प्यार करते हैं। तो फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं करते? मैंने तो उनकी फोटो भी नहीं देखी। पापा बहुत बिजी रहते हैं ना वहाँ पर, इसलिए उनको टाइम ही नहीं मिलता फोन करने के लिए। पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे तुम्हारा मन करता है ना उनसे मिलने के लिए, वैसे उनका भी बहुत मन करता है। क्या सच्ची मम्मा? सच्ची, वो तुमसे मिलने भी आएंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। कब मम्मा कब? बहुत जल्द। सच्ची मम्मा? सच्ची। चलो फ्रूटी अब सो जाओ, बातें बंद करो, कल स्कूल जाना है ना। चलो मम्मा की गोद में सो जाओ, अच्छे से नींद आ जाएगी। निन्नी रानी आएगी फ्रूटी।
छुट्टी को सुलाएगी सपने में परियां, फ्रूटी को ले जाएगी निन्नी रानी आएगी फ्रूटी को सुलाएगी। अब मैं तुझे कैसे बताऊं बेटा कि तेरे पापा हम दोनों को ये भूल चुके हैं। वो इसी शहर में है लेकिन मैं उनके पास तुझे नहीं ले जा सकती। क्या पता उन्होंने तुझे भी पहचानने से इनकार कर दिया तो तेरा तो ये नाजुक दिल टूट जाएगा ना। अभी कम से कम तुझे ये तसल्ली तो है कि एक दिन तेरे पापा अब्रॉड से आएंगे, हम सब खुशी खुशी साथ रहेंगे। पता नहीं ये झूठ मैं कब तक चला पाऊंगी। मैंने अब सब भगवान पर छोड़ दिया है बेटा, जिसने तुझे मुझे इस रिश्ते के भंवर में डाला है। अब वही हमें इस भंवर से बाहर निकालेंगे। कृष बेटा। यस मॉम। देखो अगर आपको स्कूल के लिए कोई चीज चाहिए तो आप मम्मा से बोलो, मम्मा आपको लाकर देगी। बट मॉम मैं अपनी फ्रेंड से कुछ ले सकता हूँ ना? नहीं बेटा किसी फ्रेंड से भी नहीं लेना। व्हाई मॉम? बिकॉज मम्मा कह रही है इसलिए। देखो अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। ओके मॉम। बट मॉम मेरी फ्रेंडशिप का क्या होगा? ए सलमान कैसे हो? रेडी? यस पॉप्स। अब मैं पॉप्स हो गया? चलो स्कूल के लिए देर हो रही है, चले। बाय बेटा। बाय। बाय। बाय बेटा। बाय। ये क्या खा रहे हो? फ्रूटी। किसने दी आपको? मेरी फ्रेंड फ्रूटी ने दी है। लेकिन बेटा स्कूल में हर तरह के हर हैसियत के बच्चे होते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का संस्कार ठीक रहे हमें चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा बच्चा किस बच्चों के साथ में। नियति तेरा ध्यान कहाँ है बेटा? देख सारी चाय उबल कर नीचे गिर गई। पता ही नहीं चला मम्मी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तेरा ध्यान कहाँ था। चल रहने दे मैं चाय बना। नहीं मम्मी आप और पापा चाय पी लीजिए, मुझे स्कूल जाना है। क्या बात है बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। तू कह रही है सब ठीक है लेकिन बेटा तेरी आंखें तो कुछ और कह रही है। बोल ना क्या बात है? कल रात को फ्रूटी ने मुझसे अपने पापा के बारे में पूछा। तो तूने क्या जवाब दिया? क्या कहती? उसे देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। Thank you.
गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा ये बताओ कि किस किस को ड्रॉ करना अच्छा लगता है? मुझे। अरे वाह, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज ये है कि इस वीकेंड हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है। ये! तो कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? मैं। वेरी गुड, मतलब पूरी क्लास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। दैट्स ग्रेट। तो चलो ठीक है, मैं सबके नाम बोलूंगी और जो जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा वो हाँ बोलना और जो नहीं करेगा वो नो बोलना, ठीक है? तो सबसे पहला नाम है कृष सिद्धार्थ राव। निकिता? यस मिस। अंशु? यस मिस। ऋषभ? यस मिस। अजय? यस मिस। नितिक? यस मिस। कृष? यस मिस। अंशिका? क्या हुआ फ्रूटी? कुछ नहीं। क्या हुआ अंशिका बेटे, आप तो इतना अच्छा ड्रॉ करते हैं फिर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते? बोलो। अगर ये ड्राइंग नहीं करेगी तो मैं जीत जाऊंगा या हार जाएगी? मुझे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। वेरी गुड, चलो मैं भी तुम्हारा नाम लिख दूं। ओके क्लास, गुड लक टू यू ऑल और अभी से कंपटीशन की सारी तैयारियां शुरू कर दो, ठीक है? और जो जीतेगा उसे बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। ऑफिस नहीं गया आज? मूड नहीं कर रहा था, लेकिन तुम बताओ, सुबह से देख रहा हूँ तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ठीक है, प्रॉब्लम इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा वो क्या बात थी जो तुम और कृष वो फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे थे, व्हाट वाज दैट? नहीं वो तो बस ऐसे ही। अच्छा पापा ठीक है, मैं एक्चुअली उसे ये कह रही थी कि अगर उसे स्कूल में कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो हमसे आकर मांगे, अपनी किसी फ्रेंड से ना ले ले। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं नताशा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन कुछ बातें इंसान अपनी बढ़ती उम्र के साथ सीखे तो बेहतर होता है। कृष अभी बहुत छोटा है, उसे ये सब दुनियादारी की बातें समझ में नहीं आती। अगर तुम उसे दुनियादारी की बातें समझाओगी कि इससे दोस्ती करो उससे दोस्ती मत करो तो ये तो सही नहीं है ना। अगर तुम ऐसा करोगी तो वो अपने बचपन के इनोसेंस का मजा लिए बना ही बड़ा हो जाएगा। तुम उसके मन में भेदभाव क्रिएट नहीं कर सकती, वरना वो बहुत ही सस्पेक्टिंग इंसान बन जाएगा और फिर वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा और फिर किसी से दोस्ती नहीं कर पाएगा। तुम क्या चाहती हो कि हमारा बेटा एक फ्रेंडलेस इंसान बन के रह जाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर उस पर इतनी बंदिशें मत डालो, उसके बचपन को उड़ान भरने दो, उसे जिससे दोस्ती करनी है करने दो, सिंपल। आज से ही तो कल ये सब तो होना ही था भारती। आज फूटी ने अपने पापा के बारे में सवाल किया है,
कल हो सकता है वो उसे मिलना चाहे। लेकिन अब हमारी नियति क्या करेगी जी? पता नहीं भारती, मैं नियति की दुविधा को समझता हूं, लेकिन उसे इससे निकालने का रास्ता मेरे पास नहीं है। पता नहीं जी, हमारी नियति ने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो भगवान हमारी नियति की इतनी सख्त परीक्षा ले रहे हैं। आरती, वो कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जिन्हें वो इस लायक समझता है। रोते नहीं है तुम, देखना भारती, जिस भगवान ने नियति और अंबर के बीच में इतनी दूरियां बनाई है ना, वही भगवान इनकी दूरियां मिटाने का कोई ना कोई उपाय सुझाए। अरे वाह, इसमें ना ब्लैक कलर डालो, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा बना रहे हो तुम तो। वेरी गुड, वेल डन। बहुत प्यारा बना रहे हो, गुड गुड। ओ वेरी गुड, अंशिका, आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया कुछ भी ड्रॉ करना। मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। हाय। हाय। क्या कर रही हो निधि मैम, कोई जरूरी काम? नहीं कुछ खास नहीं, बस अपने क्लास के बच्चों के टेस्ट लिए थे वही चेक कर रही थी। निधि मैम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। घर में सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? वो अंशिका, अंशिका के साथ सब कुछ ठीक है ना? हाँ। वो एक्चुअली मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आपकी बेटी क्लासरूम में बहुत चुपचाप सी रहती है। अंशिका गुमसुम रहती है? हाँ, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। अच्छा, मैं बात करूंगी उससे। शिवांगी अपना हाथ दिखाओ। क्यों? शिवांगी तुम्हारे हाथ पर? अरे ये क्या हो गया? ये निशान जलने का लग रहा है। शिवांगी तुम्हारे हाथ पर कैसे?